Hello and good morning, students. Welcome to our online session of English. So, students, today we are going to discuss second part of the chapter 11 of English grammar, that is transitive or intransitive verb. So, students, let's recall the last part. Students, we read about the doing verb, being verb, and having verb. Afterwards, we discussed about the forms of the verb, means first form, second form, and third form. Afterwards, we read about the transitive and intransitive verb. So, transitive verb is a verb that requires an object to receive the action, while the verb used without an object is intransitive verb. So, students, let's move further with the next part, that is direct object and indirect object. So, students, let's begin the chapter with its continuation. So, students, now our topic is direct object and indirect object. It means ki direct object kya hota hai aur indirect object kya hota hai. So, students, generally agar hum sentence mein dekhein, to sentence ka jo hamara structure hota hai, wo hota hai mera subject, then verb, then object. Okay, ye structure hota hai. So, object kya hota hai? Object is something that are verb, that the verb is acted upon. तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जिसके ऊपर वर्ब को एक्ट किया गया है, मींस कि जिसकी वजह से जो हमारी वर्ब है वो इन्फ्लुएंस होती है, वो प्रभावित होती है. तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो लेट्स बिगिन. सम वर्ब्स कैन हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इट मींस कि कुछ वर्ब्स होते हैं उसमें आपको दो ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिल सकते हैं आपको, जिसमें होता है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट एग्जांपल, माय मदर गेव अ मैंगो टू मी एंड द सेकंड इज शी टुक अ पेन फ्रॉम मी. सो इन दिस सेंटेंस इज द आंसर टू द क्वेश्चन वर्ब प्लस वर्ड. सो इस सेंटेंस में अगर देखा जाए इन सेंटेंसेस में, तो हमें आंसर जो है क्वेश्चन का वो वर्ब प्लस वर्ड के सेंस में मिल रहा है. मींस माय मदर गेव मी अ मैंगो टू मी, तो मदर ने क्या दिया, दैट इज मैंगो. तो क्या के फॉर्म में मिल रहा है, इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा आपका. एंड द क्वेश्चन वर्ब प्लस हुम, और जब भी क्वेश्चन वर्ब प्लस हुम के सेंस में मिलता है, ठीक है, किसका किसकी इसके अकॉर्डिंग में, तो इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट सेंटेंस आपका था जिसमें था व्हाट इज गिवन, हियर इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. सेकेंड सेंटेंस है टू हुम, मीन्स टू मी, हियर इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, सो इन द फर्स्ट सेंटेंस माई मदर गिव मैंगो, तो मैंगो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और टू मी, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. और सेकेंड सेंटेंस में देखा जाए शी टुक अ पेन फ्रॉम मी, तो इस सेंटेंस में पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और मी जो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल ऑब्जर्व दैट, यू विल ऑब्जर्व फर्दर. सो स्टूडेंट्स, you will observe that direct object is generally a non-living thing and indirect object is a person, animal or some other living thing. It means ki aap ye observe karenge ki jo direct object hote hain wo generally non-living thing hote hain, aur jo indirect object hote hain wo koi person ho sakta hai, koi animal ho sakta hai, koi other living thing ho sakti hai. इट मीन्स कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एनीथिंग कुछ भी आ सकता है, टेबल, टी, एक्सेट्रा. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे मी, यू, हिम, हर, सो ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं. सो अ वर्ब दैट हैज टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डीट्रांजिटिव वर्ब. तो ऐसे वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, हम डीट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. हियर आर सम कॉमनली यूज्ड डीट्रांजिटिव वर्ब्स. तो ये सारे आपके एग्जाम्पल है डीट्रांजिटिव वर्ब्स के. सो नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Father gave Ankur a new set of pen. The English teacher taught us a new chapter. Okay, so next exercise आपकी जो relate करती है वो है आपकी direct object और indirect object से related है. तो अगर हम study करें, आपको यहाँ पे direct और indirect object लिखना है respective column में. तो first है आपका the teacher gave alms to the poor. तो first वाले में आपका alms जो हो जाएगा आपका direct object हो जाएगा, और poor जो हो जाएगा वो आपका indirect object हो जाएगा. Person के लिए मैंने आपको बताया था कि indirect object में आता है, ठीक है. सेकंड सेंटेंस है ही गेव हिज सिस्टर अ वॉच एज अ गिफ्ट. तो वॉच इन वॉच के आपकी नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग जो होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती है वॉच, और सिस्टर जो हो जाएगा लिविंग थिंग है, इसलिए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा. थर्ड, द बर्ड पिक्ड अप सम ग्रेन्स. तो ग्रेन्स आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, और यहाँ पर कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है.
नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स फोर्थ, दे कन्वेट द मैसेज टू देयर रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, मैसेज आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। नाउ द फिफ्थ सेंटेंस इज द टीचर सेंड द स्टूडेंट्स टू देयर होम्स, तो होम्स आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ब मीन्स मूड। सो मूड इज अ मोड और मेथड बाय विच अ वर्ब इज यूज टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर थिंग। तो मूड एक ऐसा मोड होता है या ऐसा मेथड होता है, ठीक है, जिसके द्वारा वर्ब जो होती है एक पर्टिकुलर एक्शन में एक्सप्रेस की जाती है, यूज की जाती है। तो तीन तरह के मूड्स इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट होता है आपका इंडिकेटिव मूड, सेकेंड होता है इंपेरेटिव मूड, थर्ड होता है सब्जंक्टिव मूड। तो फर्स्ट है, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट स्टिल हम इसे जनरली समझेंगे कि क्या होता है। तो इंडिकेटिव मूड क्या होता है, अ वर्ब विच इज यूज टू मेक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट क्वेश्चन सपोजिशन इज नोन एज इंडिकेटिव मूड। सो ऐसे वर्ब जिसका यूज स्टेटमेंट क्वेश्चन और सपोजिशन के लिए होता है उसे हम इंडिकेटिव मूड कहते हैं। स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल, वी प्रैक्टिस म्यूजिक डेली, एरिस्टोटल इज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड माई सिस्टर लाइक्स स्केटिंग। क्वेश्चन बनाने हो, हैव यू पोस्टेड द लेटर, इंटरोगेटिव इंटरोगेशन में इसका यूज हो रहा है। आर यू एंग्री विथ मी, डू यू लाइक मी, तो ये सारे इंटरोगेशन हो रहे हैं। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए, और स्टेटमेंट्स का जो मतलब था वो एक जनरल स्टेटमेंट रहता है पॉजिटिव या नेगेटिव के फॉर्म में। सपोजिशन मतलब अगर हम कोई चीज सपोज करके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इफ इट रेन्स वी शैल स्टॉप द वर्क। तो सपोजिशन क्या कर रहे हैं, इफ, इफ क्या हो रहा है, हम मान रहे हैं अगर बारिश होती है तो हम अपना काम स्टॉप कर देंगे। तो सपोजिशन का सेंटेंस है, इफ यू आर अ ग्रेजुएट यू शैल बी गिवन द पोस्ट, है ना, इफ यू आस्क मी आई शैल गिव इट टू यू। तो तीनों सेंटेंस जो हो रहा है कहीं ना कहीं हम इसमें सपोज करके चल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंपेरेटिव। तो इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो कमांड्स एडवाइस रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हो, ऐसे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। सो जस्ट स्टार्ट, अ वर्ब विच इज यूज टू एक्सप्रेस अ कमांड एडवाइस एंट्री इज नोन एज द इंपेरेटिव मूड। तो फर्स्ट है गिव मी अ टैक्सी, गेट मी अ टैक्सी, क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, ये कमांड को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एडवाइस, बी काइंड टू द पुअर, बी पोलाइट टू द स्ट्रेंजर्स, ट्राई टू बी ऑनेस्ट, तो ये आपको एडवाइस बता रहे हैं। और इंटरेटिव के फॉर्म में देखिए, कुड यू टाइप द लेटर, विल यू प्लीज ओपन द विंडो, मे आई पार्क माय कार हियर, तो ये सारे सेंटेंस जो हो रहे हैं कहीं ना कहीं इंपेरेटिव मूड को फॉलो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अगर हम आगे पढ़े, इससे आगे देखें कि इंपेरेटिव मूड कैन स्ट्रिक्टली बी यूज ओनली इन द सेकेंड पर्सन, सिंस द पर्सन कमांड मस्ट बी पर्सन स्पोकन टू, बट इन द फर्स्ट एंड द थर्ड पर्सन अलाइक सेंसेस एक्सप्रेस बाय द यूज ऑफ ऑक्सिलरीज वर्ब। तो इनके एग्जांपल्स दिए, जो इंपेरेटिव मूड होते हैं वो स्ट्रिक्टली यूज किए जा सकते हैं सेकंड पर्सन के, ठीक है। तो पर्सन अगर कमांडेड किया जाता है तो पर्सन किसी को बोला जा रहा है, किसे बात की जा रही है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड पर्सन में सेंस अकॉर्डिंगली आपका क्रिएट होता है। लेट मी गो, लेट अस गो, लेट हिम गो, लेट देम गो। रिमेंबर द सब्जेक्ट यू इज ओमिटेड इन द इंपेरेटिव मूड, इट मींस कि जो सब्जेक्ट है यू इसे ओमिट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है इंपेरेटिव मूड में। जैसे पोस्ट दिस लेटर, हियर इट मींस यू पोस्ट दिस लेटर, लेकिन देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला तो जा रहा है कि यू पोस्ट दिस लेटर, आपको कमांड दी जा रही है, लेकिन यू को ओमिट किया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप इसे पोस्ट कीजिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट द इंपेरेटिव मूड। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाउ द थर्ड इज सब्जेक्टिव मूड, अ वर्ब विच इज यूज टू एक्सप्रेस अ विश, डिजायर, इंटेंशन, रिजोल्यूशन इन नाउन क्लॉज इन द प्रेजेंट एंड इम्प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट इज नोन एज द सब्जेक्टिव मूड। सो ऐसे वर्ब जिनका यूज विश, होप, डिजायर, इंटेंशन, रिजोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है नाउन में, नाउन क्लॉजेस में, प्रेजेंट में या पास्ट में, तो ऐसे इन्हें हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं। तो इनका जो फॉर्मेशन इस अकॉर्डिंग होता है, द वर्ब बी, अदर वर्ड्स, द वर्ब बी और अदर वर्ड्स। तो आई लाइक, वी बी मीन्स वी लाइक, यू बी मीन्स यू लाइक, ही बी मीन्स he likes, they be means they like, I were means I liked, we were means we liked, you were means you liked, he were means he liked, they were means they liked, तो इनका मीनिंग ये रहता है। तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, इट इज यूज इन ट्रेडिशनल फ्रेज एक्सप्रेसिंग अ विश ऑफ होप। इसका यूज ट्रेडिशनल फ्रेज में किया जाता है विश ऑफ होप को एक्सप्रेस करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग लिव द क्वीन, May God save the country, may heaven help you. तो कहीं ना कहीं विश और होप को क्रिएट करने के लिए सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है, may you live long is accordingly. Second है a noun clause expressing desire, intention and resolution. Desire को, intention को, resolution को noun clause में express करते हुए।
So it is suggested that a flower be built across the railway track. We commanded that the manager be dismissed from service. We proposed that a committee be appointed to look into the matter. So इनका use, intention and desire के accordingly किया जाता है. Now the second is past subjunctive. After the verb wish to indicate a situation which is unreal or contrary to the fact. तो एक verb होती है wish. ठीक है, इसके बाद indicate किया जाता है situation, ऐसी situation को indicate करने के लिए जो unreal ही है, unreal है, सही में नहीं है और कहीं ना कहीं जो फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है ये. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, शी विशेष शी वर अ ब्यूटी क्वीन, तो ऐसा विश करती है, विश के बाद क्या एक सिचुएशन इंडिकेट हो रही है, आपकी कंडीशन आ रही है जो अनरियल है, रियल नहीं है. वो एक ऐसा एज्यूम कर रही है, काश ऐसा होता इस अकॉर्डिंगली कि मैं एक क्वीन होती, काश ऐसा होता कि हम इंग्लैंड में होते. तो ये फैक्ट के कॉन्ट्रेरी होती है, जस्ट अपोजिट होती है. आई विश आई स्टेड एट होम, वी विश वी वर इन इंग्लैंड. ठीक है, तो ये डिजायर्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उनके फैक्ट के जस्ट अपोजिट है. नेक्स्ट है आपका, इट इज यूज्ड आफ्टर इफ टू एक्सप्रेस इम्प्रोबेबिलिटी और अनरियलिटी इन द प्रेजेंट. इसका यूज इफ के बाद किया जाता है और कहीं ना कहीं ये इम्प्रोबेबिलिटी और अनरियलिटी को फॉलो करती है प्रेजेंट में. इफ वी वेंट देयर वी कुड सी देम, अगर हम वहां जाते तो ऐसा होता, हम उन्हें देख पाते. इफ आई न्यू इंग्लिश आई कुड गो टू अमेरिका, अगर मुझे इंग्लिश आती तो मैं अमेरिका जा सकता था. तो कहीं ना कहीं इफ के बाद कहीं ना कहीं ऐसी इम्प्रोबेबिलिटी बता रही है, अनरियलिटी बता रही है, लेकिन वो है नहीं. इफ वी हैड मनी वी कुड लिव इन अ लार्ज हाउस, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम बड़े घर में रह सकते थे. इफ आई वर, तो इस अकॉर्डिंग सेंस में बन रहा है आपका कि अगर ऐसा होता तो ऐसा कर सकते थे, अनरियलिटी बता रहा है प्रेजेंट की. अगर हम देखें नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, एज इफ और एज दो, इसका हिंदी मीनिंग होता है मानो की. तो इस अकॉर्डिंगली इसके बाद हमेशा ध्यान रखना, इन इस इन वर्ड्स के बाद हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है. इन इन वर्ड्स के बाद जो सेंटेंस आता है उनमें हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है, ये फिक्स है. एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही ऑर्डर्स मी एज इफ ही वर हिज ब्रदर, वो ऐसे ऑर्डर देता है मानो कि वो उसका भाई हो. शी टॉक्स एज दो शी वर अ क्वीन, वो ऐसे बात करते जैसे कि वो कोई महारानी हो. ही स्पेंड्स एज इफ ही वर अ रिच मैन, वैसे खर्च करता है जैसे मानो कि वह बहुत अमीर आदमी हो. हमेशा वर्ब को फॉलो कर रहा है ये सेंटेंस. ओके, तो नेक्स्ट आपका रूल है आफ्टर द फ्रेज इट इज टाइम. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट रूल देखें, आफ्टर द फ्रेज इट इज टाइम, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद पास्ट टेंस का यूज करते हैं. इट इज टाइम, इसके बाद हम सब्जेक्ट, इट इज टाइम एक फ्रेज है, इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट और इसके बाद हमेशा पास्ट टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, इसका मतलब होता है ये ऑलरेडी लेट, ये क्या इंडिकेट करता है कि काम जो है वो ऑलरेडी लेट है. इट इज टाइम वी वेंट देयर, ये वो समय है कि हम वहां गए. इट इज टाइम आई रोड टू हर, इट इज टाइम दे स्टॉप द वर्क. तो आप देख रहे हैं इट इज टाइम के बाद हमेशा सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद पास्ट टेंस का यूज करा जा रहा है. इसका मतलब होता है इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद पास्ट टेंस का यूज करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स रूल है आपका आफ्टर द फ्रेज वुड रादर प्लस सब्जेक्ट टू इंडिकेट द प्रेफरेंस. तो वुड रादर के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है और ये प्रेफरेंस को बताता है. I would rather you applied for the post. I would rather you discontinue studies. I would rather he lived with his parents. तो ये सारे rules के according आपको नीचे sentence दिए गए, उन sentence को हमें correct करना है. ठीक है students, तो हम sentence start करेंगे. So students, correct the following sentence. The first sentence, it is time से start हो रहा है. It is time we realize the value of time. So इसे हम correct करेंगे. It is time we realized the value of time. तो realize का क्या हो जाएगा, realized हो जाएगा. it is time के बाद subject आ रहा है भी, फिर उसके बाद past tense का use हो रहा है, realized the value of time. it is time we realize the value of time. second, if you are a fool you would accept the offer. if you are a fool you would accept the order. तो देखिए if you were fool, past tense में चलेगा students, ऊपर example के according, if you were fool you would accept the offer, अगर तुम मूर्ख होते तो मैं offer को accept करते. if you were fool you would accept the offer. okay students, next sentence है आपका, if Sonia has asked me I could give it to her. if Sonia had, past tense में चलेगा क्योंकि आगे past है तो पीछे भी past होना चाहिए. if Sonia had asked me I could give it to her. If Sonia had asked me, I could give it to her. तो पूरा tense past में ही चलेगा. अगर आगे had है, sorry अगर आगे could है, तो पीछे भी has का had हो जाएगा. Okay? तो हमने ऊपर have if का rule पढ़ा है, जिसमें past tense का use किया जा रहा है.
ठीक है। नाउ द फोर्थ सेंटेंस, इफ आई हैव मनी आई वुड लैंड यू, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें उधार देता, ठीक है। सो इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड यू। सो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में भी आप देखेंगे तो पहले हैड का यूज किया जाता है, फिर आपको बाद में वुड है, वुड भी पास्ट है तो हैड भी पास्ट है, तो हैव को हम हैड कर देंगे। इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड यू, ओके स्टूडेंट्स। नाउ द फिफ्थ सेंटेंस इज, इफ शी वॉज अ टीचर शी वुड एक्सप्लेन इट वेल। मैंने बोला है कि जब भी अगर हम अपने आप को कुछ एज्यूम्स करते हैं तो उसमें हमेशा वर का यूज करते हैं। अगर मैं सपोज एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं अमिताभ बच्चन होता तो मैं मूवी में प्ले करता, इफ आई वर अमिताभ बच्चन आई वुड प्ले इन द मूवी। तो जब भी हम ऐसा मानते हैं कि मानो कि मैं ऐसा होता मैं वैसा होता, ऐसे सेंटेंस में हमेशा वर का यूज करते हैं। सो सेंटेंस में से अकॉर्डिंग हो जाएगा, इफ शी वर अ टीचर, अगर वो टीचर होती शी वुड एक्सप्लेन इट वेल, ओके। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ सेंटेंस है, आई वुड रादर यू गिव अप योर स्टडीज। सो आई वुड रादर आस्क, आई वुड रादर आस्क कॉमा पुट करेंगे इसके बाद, यू गिव अप योर स्टडीज, आई वुड रादर आस्क यू गिव अप योर स्टडीज। नाउ द सेवेंथ सेंटेंस इज, इफ आई नो हर एड्रेस आई वुड राइट टू हर, अगर मैं उसका एड्रेस जानता तो मैं उसे लिखता। तो मैंने आपको बताया कि आगे पास्ट चल रहा है वुड, तो पीछे भी पास्ट में ही जाएगा। इफ आई न्यू हर एड्रेस, इफ आई न्यू हर एड्रेस आई वुड राइट टू हर। नाउ द एट सेंटेंस इज, इफ दे विल हेल्प मी आई शैल बी हैप्पी, इफ दे वुड हेल्प मी आई कुड बी हैप्पी, इफ दे वुड हेल्प मी आई कुड बी हैप्पी, ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स नाइन नंबर सेंटेंस इज, आई वुड रादर यू स्टॉप स्मोकिंग। सो सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई वुड रादर एडमायर्ड, आई वुड रादर एडमायर्ड या एडवाइज भी कर सकते हो, यू कॉमा स्टॉप स्मोकिंग, आई वुड रादर एडमायर्ड ऑब्लिक एडवाइज्ड यू कॉमा स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, शी वर्क्स एज इफ शी वर अ क्वालिफाइड डॉक्टर। टेन नंबर सेंटेंस का आंसर क्या हो जाएगा, शी वर्क्स एज इफ, तो मैंने आपको बताया कि एज इफ या एज जो के बाद हमेशा वर्क का यूज करते हैं, ओके। वो ऐसे काम करती है मानो कि वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर हो, मैंने अभी एग्जांपल्स में बताया था, शी वर्क्स एज इफ शी वर अ क्वालिफाइड डॉक्टर। सो स्टूडेंट्स नाउ द वर्किंग जोन वी विल डिस्कस अबाउट। सो वर्किंग जोन में फर्स्ट सेंटेंस है, इफ यू वर माय वाइफ आई वुड बी हैप्पी। कंडीशन है कि अगर तुम मेरी वाइफ होती है मैं बहुत खुश होता, तो इफ यू वर माय वाइफ आई वुड बी हैप्पी, तो कंडीशन वाले सेंटेंस में हम वर का यूज कर सकते हैं। शी विशेस शी बिलोंग्ड टू द रिच फैमिली, बिलोंग्ड आएगा। थर्ड सेंटेंस, आई विश आई सॉ हर अगेन, आई विश आई सॉ हर अगेन। फोर्थ, आई विश आई कुड किल अ स्नैक। फिफ्थ, आई वुड रादर यू स्टॉप्ड स्मोकिंग, आई वुड रादर यू स्टॉप्ड स्मोकिंग। शी टॉक्स एज इफ शी वर अ फिल्म स्टार, वो ऐसे बात करती मानो कि वो एक फिल्म स्टार हो। मैंने अभी आपको ये सेंटेंस समझाया था, ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जस्ट मैंने आपको इस सेंटेंस को एक्सप्लेन किया है। इट इज टाइम शी रिटर्न होम, इट इज टाइम वाला सेंटेंस भी पढ़ सकते हैं, पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। इफ यू वर अ फूल यू वुड एक्सेप्ट द ऑफर, ठीक है। इफ शी वर अ टीचर शी वुड एक्सप्लेन इट वेल, इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड यू, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही चुका है पहले, पीछे भी था आपका ये। इफ अमित हैज आस्क्ड मी आई कुड हैव गिवन इट टू him, it is time we realized the value of time, realized. If I knew the address I would write it to her. Students, ये सारे sentence का answer पीछे भी मैं explain कर चुका हूँ। If you give आएगा students, इसमें if you give me, if you give respect, if के साथ हमेशा present tense आता है, कभी भी future नहीं आता है। तो if you give me respect you will receive respect from others, अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी भी दूसरों से, तो इसमें आ जाएगा गिव। और 15 सेंटेंस में आ जाएगा शी वर्क्स एज इफ शी वर अ क्वालिफाइड टीचर, ये सेंटेंस तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर बी इज, स्टडी द फर्स्ट एग्जांपल एंड रीराइट द अदर सेंटेंस बाय प्लेसिंग द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिफोर द प्लेसिंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिफोर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल को आपको पढ़ना है और रीराइट करना है सेंटेंसेस को, बाकी वाले मींस कि क्या प्लेस करते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और रखना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले। तो पहला सेंटेंस है, शी गेव हर सिस्टर एन इंटरेस्टिंग नोवेल।
तो एन इंटरेस्टिंग नोवल जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग होते हैं। तो नोवल जो है आपकी क्या है, इंटरेस्टिंग नोवल क्या आपकी नॉन लिविंग है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसका, आपका सिस्टर हो जाएगा। तो सिस्टर से पहले रखना है इंटरेस्टिंग नोवल को, तो शी गेव एन इंटरेस्टिंग नोवल टू हर सिस्टर। सेकेंड सेंटेंस हो जाएगा, द सेल्समैन शुड अ ब्यूटिफुल ड्रेस टू मी, सॉरी द सेल्समैन शोड अ ब्यूटिफुल ड्रेस टू मी है, तो टू मी बाद में आ जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमें पहले रखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ब्यूटीफुल ड्रेस हमने पहले रख दिया ड्रेस। थर्ड वाला सेंटेंस है, थर्ड वाले का आंसर होगा दे प्रोमिस्ड देयर सपोर्ट टू हिम, दे प्रोमिस्ड देयर सपोर्ट टू हिम। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे आगे वाले सेंटेंस भी फॉर्म होंगे, माई मदर प्रेजेंटेड अ शर्ट टू मी, माई मदर प्रेजेंटेड अ शर्ट टू मी। तो टू मी आपका मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमने शर्ट रख दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिफ्थ सेंटेंस है, हर पेरेंट्स गिफ्टेड अ नेकलेस टू हर, तो हर से पहले हमने नेकलेस रख लिया, मींस कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख लिया। सिक्स्थ सेंटेंस है, द प्रिंसिपल ग्रांटेड लीव टू हर, द प्रिंसिपल ग्रांटेड लीव टू सॉरी द प्रिंसिपल ग्रांटेड लीव टू मी, मी से पहले हमने रख लिया आपका लीव। ओके स्टूडेंट, सेवेंथ सेंटेंस है, आशीष ब्रॉट अ न्यू साड़ी फॉर हिज मदर, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख लिया, साड़ी आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट और मदर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एट सेंटेंस देखेंगे, द डॉक्टर डिक्लेयर्ड फिट टू हिम, तो हिम क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट और आपको फिट क्या हो जाएगा डायरेक्ट। नाइन है, शी लेंड हर बुक टू मी, और 10th नंबर का सेंटेंस हो जाएगा, शी टीचेस इंग्लिश टू अस, तो ये हमने प्लेस कर दिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वी इनवाइटेड आवर फ्रेंड्स, तो आपको उसमें बताना है कि ये जो सेंटेंस है ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है या बोथ है या नन ऑफ दीज है। सो वी इनवाइटेड आवर फ्रेंड्स, इट्स अ ट्रांजिटिव सेंटेंस। नाउ द सेकंड इज दे लुक्ड शॉक्ड, सो ये सेंटेंस आपका इंट्रांजिटिव हो जाएगा। थर्ड आंसर है आपका एवरीवन लाफ्ड लाउडली, ये आपका इंट्रांजिटिव हो जाएगा। और जो फोर्थ सेंटेंस है वी एंजॉयड द पार्टी, ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर लिया कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होते हैं। सो इसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर मार्क किए। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर द वर्ब्स द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।